अभी हम रांची गांव पहुंचे भी नहीं थे कि अभी 1 किलोमीटर बचा हुआ है, तो यहाँ पे मेहमान हमें लेने आ गए हैं, ऋतिक भाई और दीपक भैया। होली के साथ पहुंचे हम बरुआ गांव में, साथ में मिले हमें आलोक भाई। गंभीर नाद मृदंगना धबके हुरे ब्रह्मांडमा निदहोतनाद प्रचंडना नटराज राज नमो नमः। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। अभी मैं हूँ अगस्त मुनि में और आज से मधमेश्वर डोली मतलब मधमेश्वर यात्रा शुरू होने वाली है। आज डोली ओमकारेश्वर मंदिर से मधमेश्वर की ओर जाएगी, जो कि रांची गांव में रुकेगी। अभी दोस्तों रात रुके थे हम लोकेश भाई के रूम पे, तो धन्यवाद देना चाहेंगे इनका भी। और मेरे साथ सफर में बने हुए हैं पहाड़ी भाई, पी लो चाय। और आजकल केदारनाथ यात्रा की वजह से आप जाम देख सकते हो, सुबह के 7 बज रहे हैं और जाम देखो यार। तो जा रहे हैं हम अगस्त मुनि से उखीमठ की ओर, जो कि यहाँ से 15-16 किलोमीटर है, तो चलते हैं। और एक ही बाइक जाएगी हमारी, हमने सोचा एक ही बाइक लेके जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से पेट्रोल भी भरा लेते हैं, बाद में पेट्रोल पंप का भरोसा नहीं रहेगा तो टंकी फुल करवा देंगे यहाँ पे। दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम उखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में, बाकी हमारे आने तक डोली निकल चुकी है क्योंकि केदारनाथ यात्रा की वजह से उस साइड बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी। तो अभी हम निकलते हैं जल्दी से, फिर ऊपर जाके मिलना भी है साथ में। गंभीर नाद मृदंगना धबके हुरे ब्रह्मांडमा निदहोतनाद प्रचंडना नटराज राज नमो नमः। शतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। आज भगवान श्री मधमेश्वर जी का कपाट खुलने का, जो हिमालय में 6 महीने भगवान की पूजा होती है, वह शुभ मुहूर्त शुभ समय आज आ गया। दोस्तों अभी पहुंचे हम फावन गांव से थोड़ा सा आगे, अब जाके हमें डोली के दर्शन हुए मधमेश्वर के। बाकी ये डोली आज जाने वाली है रांची, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो लगा लो बहुत ही मजा आने वाला है। और साथ में हमें मिले यहाँ पे यमकेश्वर ब्लॉक। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। दोस्तों यहाँ से है मधमेश्वर 35 किलोमीटर, रांची 17 किलोमीटर, अभी हमने 17 किलोमीटर और जाना है। अभी लगभग हम मनसूना पहुंचने वाले हैं, जस्ट मेरे बैक साइड में आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी नदी है मधुगंगा, जिसको आप आलोक भाई की वीडियो में देखते रहते हो। बाकी सामने जो मार्केट आपको दिखाई दे रहा होगा, यह है गुप्त काशी मार्केट। तो दोस्तों ये हैं मेन पुजारी मधमेश्वर मंदिर के, जिस लोकेशन पे मैं अभी हूँ यहाँ से जस्ट मेरे बैक में देखो कितना जबरदस्त नजारा दिख रहा है, चौखंबा है ये। और यहाँ पे एसजे भाई का ड्रोन भी रेडी हो चुका है। तो दोस्तों डोली अभी पहुंची है मनसूना गांव में, और ज्यादातर गांव के रास्ते होते हुए जा रही है क्योंकि सड़क तो एकदम सीधा जाती है, तो पहले के परंपराओं के हिसाब से हर गाँव होते हुए जा रही है। बाकी जस्ट अभी यहाँ पे मेरे बैग में मंदिर है तो यहाँ पे रुकी हुई है, थोड़ा जलपान की व्यवस्था भी है तो हम करते हैं जलपान। और इस समय स्कूल के सभी बच्चे थोड़ा ब्रेक लेके आ रखे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। डोली अभी जा रही है पैदल के रास्ते, गांव के रास्ते, और पहले से ही ऐसी जाती है तो पूरी परंपरा के हिसाब से चल रही है। बाकी खेतों में जा रही है तो ऐसा माना जाता है जिस जिस खेत में डोली जाती है तो वहाँ बहुत ही बढ़िया उपज होती है। तो ऐसे ही पांडव लीला में भी हमारे यहाँ हुआ था कि जहाँ पांडव नाचे थे ना, तो एक समय पे वहाँ बहुत बेकार सा हो गया था, लेकिन जब वहाँ उपज हुई तो बहुत बढ़िया हुई। गंभीर ना
वाद मृदंगना धबके। दोस्तों अभी गर्मी बहुत हो रही थी तो एक हमने डियो लिया और एक पॉपकॉर्न का पैकेट लिया है। तो अभी डोली के साथ पहुंचे हम बरुआ गांव में, साथ में मिले हमें आलोक भाई, तो भैया तो मिलते रहते हैं, बाकी हमारे साथ पहाड़ी भाई पीलो चाय भी चल ही रहे हैं। अभी हम बुरवा गांव से 1 किलोमीटर आगे हैं, तो जगह जगह में आपको जलपान की व्यवस्था भी मिलेगी। बाकी भाई जी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है यार, क्योंकि दोस्तों जब हम पैदल सफर कर रहे हैं और उसके बाद ऐसा एनर्जी ड्रिंक मिल रहा है, मतलब जूस मिल रहा है, अलग ही स्वाद और मजा आ रहा है। जमाने पानी नहीं पिला रहा कोई, यहां तो ड्रिंक मिल रही मत पानी। हां कोल्ड ड्रिंक सॉरी। तो अभी हम है मधुगंगा नदी के ऊपर और उस साइड आ रही है डोली जो कि बहुत ही दूर है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम पहुंचे अभी रावलेक गांव में, यहाँ मेरे एक दोस्त भी रहता है लेकिन वो पेपर की वजह से अभी अगस्त मुनि है। बाकी जिस हिसाब से हम नीचे से आ रहे थे हमें लग नहीं रहा था कि यहाँ पे काफ़ी चहल पहल होगी, लेकिन यहाँ पे चहल पहल बहुत है। बाकी गांव बहुत ज़बरदस्त और बड़ा है। अब इसके बाद 7 किलोमीटर दूर है यहाँ से रांची गाँव। तो जब मैं अगस्त मुनि से रास्ते लगा था तो खाली पेट रास्ते लगा था, सोचा रास्ते में कहीं मिलेगा, लेकिन उखिमट के बाद यहाँ कहीं मिला ही नहीं, नाश्ता नूस्ता कुछ मिल ही नहीं रहा है। रविंद्र भाई ठस करके मनसुना मार्केट में परांठे परांठे खा के आ गए। दोस्तों केदारनाथ यात्रा में तो हम पूरे 20 किलोमीटर पैदल चल रहे थे हर दिन, लेकिन आज बाइक का सहारा है तो इसलिए हम रुक रुक के कभी आगे जा रहे हैं तो कभी पीछे जा रहे हैं। पहुंचे हम उनियाना गांव में, रावलेक के बाद अब डोली यहां पे भी विश्राम करेगी। बाकी यहां से जस्ट बैक का नज़ारा इतना मस्त और ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है, उधर दूर एक घर दिखाई दे रहा है और वहां से सड़क का रास्ता बहुत दूर है, मतलब सड़क इतनी ऊपर है लेकिन गांव बीच में बसा हुआ है। अभी हम डोली से काफी दूर आ चुके हैं, आप ध्यान से देखो और अभी दिखाता हूँ मैं आपको, आपको दिखाई भी नहीं दे रही होगी, महादेव की कृपा है बस। तो यहाँ से रांची गांव 1 किलोमीटर दूरी है और पहली बार मेरा मधमेश्वर वैली में आना हो रहा है तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। बाकी जैसे जैसे हम मधमेश्वर वैली की साइड बढ़ते जा रहे हैं ऐसे ऐसे ऊपर बादल लगते जा रहे हैं। आपने देखो होगा जब भी डोली कहीं विश्राम करती है रात्रि के समय तो उससे पहले एक बार बारिश जरूर होती है, तो देख रहा हूँ यहाँ बारिश होती है कि नहीं होती है। दोस्तों अभी हम रांची गांव पहुंचे भी नहीं थे कि अभी 1 किलोमीटर बचा हुआ है, तो यहाँ पे मेहमान हमें लेने आ गए हैं, ऋतिक भाई और दीपक भैया। मेहमान ना आप हो यार, मेहमान तुम हो यार, ये मैंने उल्टा बोल दिया। चलो ये रिटेक नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और भैया और आ रखे हैं, अंशु भाई मिसिंग है, वो होम स्टे के काम में बिजी है, वो सबकी व्यवस्था वही कर रहे हैं। चलो दोस्तों मिलते हैं आपको सीधे रांची गांव में। बारिश शुरू हो गई है, फटाफट से चलते हैं रांची गांव की ओर। अब रांची गांव वाले यहाँ पे आ गए हैं, अब देखते हैं कितनी मेहमान नवाजी करते हैं।